हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष पाल चौहान फ्रॉम यशिका वाटरफॉल एस्टेट जलटार कोटखाई, और मेरे पीछे मेरा ये हाई डेंसिटी का रूट स्टॉक का ब्लॉक है NM9। ऊपर दो रोज है, वन रो इज दैट ऑफ डार्क बैरेंगाला, दिस वन हैज़ किंग रॉट एंड हाफ ऑफ इट इज डार्क बैरेंगाला। तो मैं आपको इसी रो में डार्क बैरेंगाला है ये दिखा देता हूँ, मीमामी स्टार और शिनेकोरेट रेड लव। सबसे पहले डार्क बैरेंगाला आज की डेट में तैयार हो चुका है, साइज वाइज भी और खुशबू भी इसकी अच्छी आ रही है, जिससे मुझे आइडिया हो रहा है कि ये पक चुका है। कुछ दिन और भी टिक सकता है, बट आई वुड बेटर हार्वेस्ट इट विद इन अ फ्यू डेज। ये देखिए, साइज़ कोई ज़्यादा इशू नहीं है, ये इसलिए भी बिकॉज़ मैंने काफ़ी हैवी थिनिंग कर रखी है डार्क बैरेंगाला में, स्मॉल एक्स्ट्रा स्मॉल कुछ मीडियम भी है आप देख सकते हैं। तो मुझे लगता है लिमिटेड क्रॉप में तो भाई इसका कोई जवाब नहीं है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है इसकी। बीच में कुछ जिनेवा सीरीज के प्लांट्स है प्रोपोगेशन के लिए। ऑन माय लेफ्ट हैंड साइड इज मीमामी स्टार, ये मैंने टेम्परेरी अरेंजमेंट है नेट्स का किया हुआ जल्दबाजी में। अब मीमामी स्टार थोड़ा हरापन है इसमें, साइज भी उतना बढ़िया डेवलप नहीं हुआ है, बट मुझे लगता है कि समय के साथ इसका साइज और कलर मेरे को लगता है बहुत अच्छा बनेगा। इसकी अपनी क्वालिटी है, कुछ टाइम बाद 15 दिन बाद ही से प्रॉब्ली मैं हार्वेस्ट करूँगा। मीमामी स्टार की पूरी लाइन है ये। इफ़ आई कम टू दिस रो, ऑन माय लेफ्ट हैंड साइड इज शिनेकोरेट गाला। साइज कंपैरेटिवली इस पौधे में तो अच्छा है, हार्वेस्ट लायक है, बट ये कुछ पौधे मैंने एक्चुअली ट्रांसप्लांट किए थे पिछले साल, हो सकता है इस वजह से रूट बढ़िया डेवलप नहीं हुई, साइज थोड़ा कम है। बीच में पाल्टिया है इंटायर बगीचे में प्रोपगेशन के लिए। यू मस्ट बी वंडरिंग, बीच में बहुत घने हैं ये पौधे लगाए हुए, ये टी रेक्स गाला और उस साइड Z1 के टेम्परेरी अरेंजमेंट्स हैं। मैं सजेस्ट करता हूँ कि पहले साल ये बीच में ही लगाने चाहिए, सिंस द सॉइल इज रिच, वी हैव वाटर शावर अरेंजमेंट, ड्रिप अरेंजमेंट एंड एवरीथिंग, और अगले साल जब आपका लैंड प्रॉपर्ली तैयार है उसको आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। दैट्स माय पर्सनल सजेशन, मेरे को बेटर सक्सेस रेट मिला, हालांकि इस साल गर्मी भी ज़्यादा थी। शिनेकोरेट आप देख सकते, साइज़ थोड़ा छोटा है, इसको मैं 10 दिन बाद हार्वेस्ट करूँगा, कुछ पेड़ों में ठीक भी है साइज़ बट 10 दिन बाद ही करूँगा। ये वाली रूट ने मुझे काफ़ी इम्प्रेस किया है, दिस इज़ रेड लव। लोगों को साइज की बड़ी दिक्कत आ रही है इसमें, बट आई हैव ऑल स्मॉल मीडियम एंड इवन लार्ज। थोड़ा हरापन है, इसको भी 10-15 दिन बाद ही हार्वेस्ट करूँगा। साइज इसलिए भी अच्छा हो सकता है क्योंकि इसमें बहुत कम दाने हैं, जैसे आप देख ही सकते हो 10-12 दाने पौधे में, 1 ईयर ओल्ड प्लांट्स। कुछ पौधे नेट से कवर भी कर दिए मैंने, जस्ट टू सी द डिफरेंस कि नेट में साइज और कलर में कुछ फ़र्क पड़ता है कि नहीं, मुझे कुछ ख़ास डिफरेंस लगा नहीं। तो ये साइड मीमामी स्टार, रेड लव और शिनेकोरेट गाला, साथ ही साथ में जो आपको ये वाटरफॉल भी दिखा दूँ, यशिका वाटरफॉल एस्टेट में ये वाटरफॉल है, और ये मेरे कुछ प्रेपरेशंस है लैंड की, थोड़ी सी वॉल भी गिर गई हैवी बरसात के कारण, बट ज़्यादा कुछ लॉस नहीं हुआ है। ऊपर एक खेत, 300 पौधे ऊपर वाले खेत में भी लगेंगे। क्विकली इफ आई कैन शो यू दिस लास्ट रो और फर्स्ट रो आई वुड कॉल इट गाला वॉल, थोड़ा हरापन है, ये इसकी क्वालिटी है क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा है कि साइज़ अभी और बढ़ेगा तब जाके ये लाल होगा। रेड विलॉक्स, सरप्राइजिंगली नो रस्टिंग एट ऑल,
जीरो रस्टिंग, साइज इज गुड, देखिए आप। और रस्टिंग शायद इसलिए भी नहीं है क्योंकि इस साल धूप पे अच्छी रही, मॉइस्चर कम रहा, बरसात से थोड़ी कम रही, अब तो बहुत हो रही है, लेकिन ड्राई स्पेल अच्छी रही। ये है डेविल गाला, ये भी तैयार है रेड लव के साथ ही, शायद मैं इसको भी हार्वेस्ट कर लूँगा। डेविल गाला, डार्क वेरन गाला के जितना ही साइज, लेकिन कलर थोड़ा पिंकिश, ना डार्क नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं इन सब गालाज में, थोड़े थोड़े ही डिफरेंस है, साइज इज गुड। ये है चीज़ जिसने मेरे को अच्छा इंप्रेस किया है, दिस इज किंग रॉट, देखिए आप। अभी तो मैंने इसको शाइन भी नहीं किया है प्रॉपरली, कैसा रस्टिंग का सही ना, अदरवाइज रस्टिंग है नहीं वैसे। और साइज देखिए क्या अमेजिंग है, ऐसा नहीं है 10-10, 12-12 दाने रखे हुए इसमें, इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 13 इतने दाने हैं। और साइज देखिए, ये तो मेरे ख्याल से लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज, ये लार्ज ही है, ये लार्ज लग रहा है मुझे, मीडियम लार्ज, हाँ मीडियम लार्ज है, स्मॉल भी है कुछ। तो ये चीज़ भी किंग रॉट है जो मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लगा, ज़्यादा रखेंगे तो ब्लैक भी हो सकता है, इसलिए आई एम गोइंग टू हार्वेस्ट इट वेरी सून। सो दिस इज द अपडेट एट यशिका वाटरफॉल एस्टेट, होप दिस वीडियो वॉज इंफॉर्मेटिव। आप लोग कुछ सजेशंस हो मुझे प्लीज़ सजेस्ट करिए, पौधी मीडियो एक शिकायत है, बहुत ज़्यादा नहीं है इस बगीचे में, इस प्लॉट में, बट उससे कैसे क्योर किया जा सकता है या कैसे कम किया जा सकता है, प्लीज़ मुझे सजेस्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द एंटायर वीडियो, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।